पूर्ण करती है। वे मेरी बंद आंखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों में वे मेरे प्रभु हैं। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, करुणा सिंधु तथा पतितात्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन है। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने श्री चरणों की छाया प्रदान कीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी, यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन, जमुना तीर वनचारी, जमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, जमुना तीर वनचारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। विष्णुपाद परमहंस परियोजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण श्री राधा कृष्ण श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की ब्रज भूमि वृंदावन धाम की मायापुर नवदीप धाम की हरिनाम संकीर्तन की हरिनाम संकीर्तन की हरिनाम संकीर्तन की All glories to Assembled Devotees, All glories to Assembled Devotees, All glories to Assembled Devotees. Sisi Sisi Guru and Go and Go. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णे स्वधामुपगते धर्मज्ञानादिभिः कलो नष्ट द्रशामेश पुराणार्क अधुना उदितः ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम् स्कंद चार अध्याय सात श्लोक संख्या पांच। थैंक यू। मेरे पीछे दोहराइए बहुभ्याम दो भुजाओं से अश्विनो अश्विनी कुमारों की पूषणा पूषा के हस्ताभ्याम दो हाथों से
कृत बाहवा बाहों की इच्छा रखने वाले भवंतु होवे अद्य अद्वर्यवः पुरोहितगण च तथा अन्ये अन्य बस्ता स्मशु बकरे की दाढ़ी भृगु भृगु भवेत उसके होवे बाहुभ्याम अश्विनी पूष्ण हस्ताभ्याम कृत बाहवः भवन्त्यदवर्यवश्चान्ये बस्तस्म भृगुर्भवेत् बाहुभ्यामश्विनो पृष्णो हस्ताभ्याम कृत बाहवः भवन्तद्वर्यवश्चान्ये बस्तस्म श्रुभृगुर्भवेत् बाहुभ्यामश्विनो पृष्णो हस्ताभ्याम कृत बाहवः भवन्तद्वर्यश्चान्ये बस्तस्म भुगुर्भुव भवेत् भाषांतर और भावार्थ श्रील प्रभुपाद द्वारा जिन लोगों की भुजाएं कट गई हैं उन्हें अश्विनी कुमार की बाहों से काम करना होगा और जिनके हाथ कट गए हैं उन्हें पुरुषा के हाथों से काम करना होगा। पुरोहितों को भी तद अनुसार कार्य करना होगा। जहां तक भृगु का प्रश्न है उन्हें बकरे की दाढ़ी प्राप्त होगी, सेविंग करने की जरूरत नहीं होगी, जिलेट विल बी आउट ऑफ बिजनेस। तात्पर्य मेरे पीछे दोहराइए, जिन लोगों की भुजाएं कट गई हैं उन्हें अश्विनी कुमार की बाहों से काम करना होगा और जिनके हाथ कट गए हैं उन्हें पुषा के हाथों से काम करना होगा। पुरोहितों को भी तद अनुसार कार्य करना होगा।
जहां तक भृगु का प्रश्न है, उन्हें बकरे की दराड़ी प्राप्त होगी। तात्पर्य, जो वैष्णव अपराध करता है उनको बकरे की दाढ़ी मिलती है। जो वैष्णव अपराध करते हैं उनको बकरे की लंबी दाढ़ी मिलती है और बकरे का सर मिलता है। तात्पर्य, दक्ष के परम समर्थ भृगु मुनि को उस बकरे की दाढ़ी मिली जिसका सिर दक्ष को मिला था। दक्ष बच गया, दाढ़ी भी मिलती उनको भी, थोड़ा सा बच गया। दक्ष के सिर के विनिमय से ऐसा लगता है कि यह आधुनिक सिद्धांत ठीक नहीं है कि मस्तिष्क ही बुद्धिमता का कारण है। दक्ष तथा बकरे के मस्तिष्क भिन्न भिन्न पदार्थों के हैं तो भी दक्ष अपनी तरह कार्य करने लगा। यद्यपि उसके बकरे का सिर लगा दिया गया था, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी व्यक्ति की चेतना विशेष ही कार्य करती है। मस्तिष्क पदार्थ निमित्त मात्र है, जिसका वास्तविक बुद्धि से कोई सरोकार नहीं है। वास्तविक बुद्धि मन तथा चेतना व्यक्ति विशेष के अंश है। अगले श्लोकों से प्रकट होगा कि दक्ष के सिर के स्थान पर बकरे का सिर लगने से वह पहले की ही भांति बुद्धिमान था। उसने अत्यंत सुंदर ढंग से शिव तथा विष्णु को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना की, जो बकरे के लिए संभव न थी। इससे ही निष्कर्ष निकलता है कि बुद्धि का केंद्र मस्तिष्क पदार्थ नहीं है, यह तो आत्मा विशेष की चेतना है जो बुद्धिपूर्वक कार्य करती है। समग्र कृष्ण भावनामृत आंदोलन चेतना की बुद्धि, चेतना की शुद्धि के लिए है। इससे फिर से मैं पढ़ूंगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रभुपाद जी लिखते हैं, यह तो आत्मा विशेष की चेतना है जो बुद्धिपूर्वक कार्य करती है। समग्र कृष्ण भावनामृत आंदोलन चेतना की शुद्धि के लिए है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि किसी का मस्तिष्क कैसा है, क्योंकि यदि वह अपनी चेतना को पदार्थ से श्री कृष्ण में स्थानांतरित कर देता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। उसकी पुष्टि भगवान ने स्वयं भगवद गीता में की है कि जो कोई कृष्ण चेतना ग्रहण करता है वह जीवन की उच्चतम सिद्धि प्राप्त करता है, भले ही वह कितने ही निकृष्ट जीवन में पतित क्यों न हो। विशेष रूप से यदि कोई कृष्ण भावना भावित होता है तो वह अपने इस भौतिक शरीर को त्याग कर भगवान के धाम को जाता है। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। बहुभ्याम अश्विनो पृष्णो हस्ताभ्याम कृत बाहवः बाहवः ववंत
अधवर्यचन्ये चान्ये बस्तस्मश्रुभुगुर भवेत। जिन लोगों की भुजाएं कट गई हैं, उन्हें अश्विनी कुमार की बाहों से काम करना होगा, और जिनके हाथ कट गए हैं उन्हें सुषा पूषा के हाथों से काम करना होगा। पुरोहितों को भी तद अनुसार कार्य करना होगा। जहां तक भृगु का प्रश्न है, उन्हें बकरे की दाढ़ी प्राप्त होगी। तो भगवान शंकर शिव महादेव बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने जो देवी देवताएं हैं उन सबों को माफ कर दिया, क्योंकि वो इनोसेंट मासूम, लेकिन ये दक्ष प्रजापति जो मेरे ससुर हैं जानबूझ के अपराध कर रहे हैं, जानबूझ के। तो जब तक सहन हो गया कर लिया। महादेव है आशुतोष, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, जल्दी नाराज हो जाते हैं। तो उन्होंने तय किया, शंकर भगवान ने तय किया कि ये दक्ष को कुछ दंड देना चाहिए, और दंड में उनको सुबह जो भी सर मिलेगा वो सर मिलेगा उनको, और बकरा मिला, बकरा। और भृगु भाई भ्राता भृगु को बकरे की दाढ़ी, ते अपमान जनित हैं, अपमान जनक जनत भी हैं। अब जैसे रुक्मी का अपमान करना था तो बाल निकाल दिए गए, यहां बाल दिए जाते हैं, वहां बाल निकाल दिए गए, यहां बाल दिए गए। तो ये बहुत गंभीर विषय है, गंभीर भागवत गंभीर विषय है। हर कथा में उच्चतर सिद्धांत है। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, अमल प्रमाण। तो पहले हम तात्पर्य थोड़ा सा समझ लेते हैं, वापस आएंगे दाढ़ी और बकरे की दाढ़ी पर। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं बहुत सुंदर कि कृष्ण भावना और बुद्धि ये मस्तिष्क का कार्य नहीं है, ब्रेन में नहीं, बुद्धि ब्रेन में नहीं है। लोग समझते हैं बुद्धि ब्रेन से उत्पन्न होती है, मस्तिष्क ब्रेन में बुद्धि चेतना नहीं है, चेतना चेतन में है, और चेतन में हम है, और वो चेतना
कोई फैक्ट्री कंप्यूटर या पावर हाउस में पैदा नहीं हो सकती चेतना. प्रभुपाद जी कहते हैं यू कैन नॉट प्रोड्यूस कॉन्शियसनेस इन फैक्ट्रीज. चेतना ये चेतन आत्मा से पैदा होती है और सटल बॉडी ये सटल सूक्ष्म देह है. स्थूल देह पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से बना हुआ स्थूल देह और सूक्ष्म देह एंड कारण देह. तो सूक्ष्म देह है मन बुद्धि अहंकार. उसे ब्रेन से कोई नाता नहीं है मन बुद्धि अहंकार को. जो जीव के साथ लगा रहता है सूक्ष्म देह वायु और गंधानी. भागवत गीता में कहा है जैसे वायु के साथ गंध साथ में जाती है. गंध दिखाई नहीं देती लेकिन वायु के साथ जाती है. उसी तरह ये सटल बॉडी जीव के साथ जाती है. तो ये सटल बॉडी ये बुद्धि का विषय है. चेतना चेतना इज ए स्पिरिचुअल बॉडी. जीव कारण देह है. आत्मा कारण देह सच्चिदानंद और मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर जिनको हम स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं. स्पिरिचुअलाइज और यही कृष्ण भावना मृत का लक्ष्य है कि हम सूक्ष्म और स्थूल देह को स्पिरिचुअलाइज्ड आध्यात्मिक करें. तो रूप गोस्वामी प्रभुपाद कहते हैं कृष्णा भक्ति रस भाविता मति क्रियताम अपि कुतो भी लभ्यते तत्र लोल्यम अपि मूल्यम एकम जन्म कोटि सुकृतय न लभ्यते. कोटि कोटि जन्मों के सुकृत से भी हमें ये शुद्ध कृष्ण भावना नहीं मिल सकती जिनके लिए हम तरस रहे. उनका मूल्य एक ही है लोल्यम लोलुप्ता. लोभ लोल्यम लोलुप्ता. लोलुप्ता हे राधे व्रज देविके च ललिते हे नंद सुनो कुता घोषंता इति सर्वतो व्रजपुरे खेदैर महाविह्वलौ. विह्वलता लोलुप्ता वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालको. राधा कुंड तटे कालिंदी तनया तीरे च वंशी वटे प्रेमोन्माद वशाद शेष दशया ग्रस्तौ प्रमत्तौ सदा गायन्तौ च कदा हरेर्गुरुवरं भावाभिभूतो मुदा वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको. ते लोलुप्ता जन्म कोटि सुकृतय न लभ्यते तत्र लोल्यम अपि मूल्यम एकम. लोलुप्ता विवलता लॉन्गिंग क्रेविंग इंग्लिश के दो शब्द हैं लॉन्गिंग एंड क्रेविंग. हिंदी लॉन्गिंग एंड क्रेविंग का हिंदी लोभ लॉन्गिंग एंड क्रेविंग लोभ. ओके सो तत्र लोल्यम लोभ लोल्यम लोलुप्ता विवलता
आतुरता आतुरता आतुर ये सद्गो स्वामी और चैतन्य महाप्रभु ने ये भाव उच्च कक्षा तक एग्जिबिट किया, प्रदर्शित किया। ब्लाइंडर्स कृष्णा बस, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सुन्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेन मे, ब्लाइंडर्स, गोविंद के बिना मुझे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये स्थिति। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मई पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति। ये कृष्ण चेतना है, कृष्ण भावना। सर्वत्र स्फुरायते निज इष्ट स्फूर्ति, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति। सर्वत्र स्फुरायते निज इष्ट स्फूर्ति, तो ये कृष्ण भावना है, कृष्ण चेतना। और ये चेतना का ही विषय है बुद्धि। और ये चेतना जब फिक्स हो गई, सर कटवाने के बाद फिक्स हुई, सर कटवाने के बाद चेतना फिक्स हो गई, तो बाद में विष्णु और भक्तों का, देवों का, सबका सही ढंग से सम्मान हुआ उनसे। तो चेतना हमें फिक्स करनी होगी, फिक्स। कोई दुखी होके करता है, कोई सुखी होके करता है। चतुर्विधा भजन्ति माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो होके जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। कैसे भी एन केन प्रकारेण मन कृष्णा निवेशय, कुछ भी करो लेकिन हमारी मति कृष्ण में हो, कृष्णेर मतिर अस्तु, कृष्णेर मतिर अस्तु। यहां दक्ष ने सर गवा के कृष्ण मतिर अस्तु किया, कड़ा काम है। हमें सर शायद हमें घस बकरे का भी नहीं मिले, यहां तो बकरे का मिल रहा है, हमें वो भी ना मिले तो ये सर के साथ। लेकिन सर न्योछावर करना होगा। मानस देह गेहो यो किछु मोरे अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर। यहां सर देके होते हैं सौदे, बंदकी इतनी सस्ती नहीं है। गोपियां उद्धव जी को कहते हैं कृष्ण की बंदगी, कृष्ण की भक्ति इतनी सस्ती नहीं है। पहले सर देखे होते हैं सौदे। पहले परथम, मेरी मम्मी, माता जी, मेरी बा गाया करती थी, परथम पहला मस्तक मुखी वड़ती लेवु नाम जोने। अर्थात सबसे प्रथम पहला मस्तक मुखी, मस्तक रख के कृष्ण के चरणों में मस्तक समर्पित करके, वड़ती उसके बाद वड़ती लेवु नाम जोने। बाद में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बाद में नाम लिया जाता है। पहले समर्पण, शीर्ष समर्पण, तभी ये मति फिक्स होगी। अहंकारे मत हैया राधा कृष्ण पासारिया असत्य र सत्य करी मानी। अहंकार, ये अहंकार का प्रतीक है।
दक्ष प्रजापति अहंकार, और वैष्णव निंदा का प्रतीक है। वैष्णव निंदा अहंकार मत तहैया, इतना बड़ा अहंकार हमारे में होता है ना, मैं बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा कोई नहीं, नहीं ये मेरा काम नहीं, अहंकार मत तहैया। और यही हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अहम, अहम ममेति, अहम कार, अहंकार सबसे बड़ा प्रॉब्लम, दिस इज द बिगेस्ट डिजीज। दक्ष प्रजापति और अहंकार हमें समर्पित होने में रोकेगा, रुकावट डालेगा, समर्पण नहीं होगा। और जब तक समर्पण नहीं होगा, चेतना फिक्स नहीं होगी, तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ। यही तो हमारा सबसे बड़ा भौतिक जगत में फंसने का प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अहंकार। अहंकार अहंकार मिटाना, तृणादपि सुनिश्चित तरोरेव अमानिना मान देना। अहंकार मीन्स मान दो, मैं मुझे मान, ऑफर मी ओबेसेंसेस अहंकार। तो इससे क्या, अहंकार मिटाना क्या करना होगा, वैराग, वितराग भया क्रोधा, विराग। तो अहंकार मिट सकता है, तृणादपि सुनिश्चित तरोरेव मानिना मान देना। एंड देन वहां रुकना नहीं है, वो तो गधा भी करता है, चारों चीज गधा करता है, अमानिना मान देना, और सहिष्णु भी गधा है, तुच्छ भी गधा है। लेकिन पिछली जो लाइन है वो भूलना मत, कीर्तनीय सदा हरी। अंदर सच अ स्टेट ऑफ माइंड वन कैन कॉन्स्टेंटली चैंट द होली नेम। भगवान का नाम में ये सब समर्पण करना होगा। लेकिन अहंकार क्या करता है, सुंदर नरसिंह मेहता का मैं कोटेशन बहुत देता हूं, यहां भी देता हूं, माफ कीजिए इस्कॉन का, लेकिन वैष्णव है, इस्कॉन का सॉन्ग नहीं है। नरसिंह मेहता क्या गाते हैं, ये कहते हैं नरसिंह मेहता कि नाम बिना हूं कारो ना दैये ने हर खे सुहैडू ना दिशे रे, जानवी केरा तरंग त्याजी ने पछी तट मा जाई ने कूप खोदे रे तेने गेर सीध जाइए रे, नाम तणो विश्वास ना राखे ने ऊंडू ते ऊंडू सोदे रे, नाम तणो विश्वास ना राखे ने ऊंडू ते ऊंडू सोधे रे, जानवी केरा तरंग त्याजी ने पछी तट मा जाई ने कूप खोदे रे तेने गेर सीध जाइए रे। बुरायो थैने भारे रे, बुराया मैं अहंकार, मैं और वो अहंकारी लोगों को क्या कहते नरसिंह मेहता कि नाम तणो विश्वास ना राखे, नाम में विश्वास नहीं रखता है, और ये शास्त्र वो बाबा वो बापू वो गुरु, नाम तणो विश्वास नहीं, शास्त्र सारे शास्त्र अध्ययन सारे बाबा बापू
भटकता रहेगा। एक कैसा है उदाहरण देते हैं नरसिंह मेहता, ये कैसा है, नाम में विश्वास रखना चाहिए, नाम जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, लेकिन भटकना छोड़ के। ये कैसा है उदाहरण देते हैं कि ये मूर्ख लोग अहंकारी लोग क्या करते हैं कि जाह्नवी नदी गंगा जाह्नवी केरा तरंग त्याजी ने, जाह्नवी नदी के तरंग त्याग करके जाह्नवी नदी के किनारे जाते हैं, कुआं खोदते हैं और कुएं में से पानी निकाल के स्नान करते हैं। ऐसा है जाह्नवी केरा तरंग त्याजी ने तटमा जई ने कूप खोदे रे तेने गैर सीध जाइए रे। उन अहंकारी लोगों के घर मुझे क्या क्यों जाना, मैं क्यों जाऊं, बुरायो थे ने। हरी हरी जन पर हित नाराखे ने बुरायो थे बाड़े रे नरसैया तेनु मुख न जोइए उलेची अंधारू टाड़े रे तेने घेर सीध जाइए रे। हरि हरि जन वैष्णव जन हरि के जन भगवान और भगवान के भक्तों में हेत न राखे, हेत मीन्स प्रेम लगाओ, हेत ना राखे ने भूरायो थे ने बाड़े रे, मैं हट यहां से हट मेरे रास्ते, भूरायो थे ने भागे रे। नरसैया तेनु मुख ना जोइए, नरसिंह मेहता कहते हैं उनका दर्शन नहीं करना चाहिए, उनका मुख का दर्शन नहीं करना चाहिए, अशुद्ध हो जाते हैं हम लोग, अशुद्ध हो जाते हैं। नाम तणो विश्वास ना राखे ने उंडू ते उंडू सोधे रे जाह्नवी केरा तरंग त्याजी ने तटमा जई ने कूप खोदे रे। हरि हरि जन पर हेत न राखे ने बुरायो थे ने भाड़े रे नरसैया तेनु मुख ना जोइए उलेची अंधारू टाड़े रे। तो ये है दक्ष प्रजापति, अहंकार, अहंकार का प्रतीक। तो ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य का हम वर्णन कर रहे थे कि ये बुद्धि चेतना ये ब्रेन का विषय नहीं है, ब्रेन चेतना आत्मा का विषय है और चित्त की परिभाषा या चित्त का तीन प्रकार मन बुद्धि अहंकार। चित्त किसे कहते हैं, मन बुद्धि और अहंकार को क्या बोलते हैं, चित्त। और चित्त चेतना, चेतना चेतनात्मा, ये विषय है, ये शरीर का विषय नहीं है। चित्त मन बुद्धि अहंकार, तो ये चेतना बुद्धि फिक्स हो गई और बकरे का सर और बकरे की दाढ़ी मिली तो अहंकार चलेगा, क्योंकि अहंकार मीन्स मैं ये शरीर हूं, बड़ा घराने का शरीर है, मैं गोरा हूं, मैं लंबा हूं, हैंडसम हूं, अहंकार शरीर से पैदा होता है। और शरीर चला गया, सर चला गया, ब्यूटी चली गई, मान चला गया, अपमान हो गया, तो मति फिक्स हो गई, है ना, मति फिक्स हो गई। लेकिन बिगेस्ट प्राइस ही हैड टू प्रे, हैड टू पे लॉट ऑफ प्राइस फॉर दैट, अहंकार के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, सर चला गया। तो महादेव परम वैष्णव निम्न गताम यथा गंगा देवानाम यच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणाम इदम तथा। पुराणों में जैसे भागवत पुराण उत्तम है और
देवों में अच्युत भगवान श्री कृष्ण उत्तम है और नीचे बहने वाली नदियों में गंगा उत्तम है, उसी तरह वैष्णव में शंकर भगवान उत्तम है। ऐसे महान वैष्णव का अपराध किया तो भगवान उनको क्षमा नहीं कर सकते। भगवान उनको क्षमा, चाहे छोटा हो या मोटा हो, वैष्णव चाहे छोटा हो या मोटा, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, ये वैष्णव की परिभाषा है, भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भाग, अनन्यता, वैष्णव भजते माम अनन्य भाग। साधु रेव समन्त, वो साधु है, साधु लंबी डाढ़ी वाला नहीं हो सकता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन साधु की परिभाषा है कि मेरा अनन्य भक्त हो कृष्ण का, वो साधु है, वो वैष्णव है, वो महात्मा है, वो महंत है, वो संत है। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाक, साधु रेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थो ही सह। अक्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। घोषणा कर कि मेरा भक्त कौन है और मेरे भक्त कभी नाश नहीं पा, चाहे थोड़ा सा इधर उधर गलती हो गई हो, जानबूझ के नहीं, चलो जानबूझ के भक्त कर ले कि गलती और बाद में संभाल लेंगे भगवान, ऐसा नहीं। कोई दुराचार हो गया, दुराचरण हो गया, तो ये वैष्णव है, महान वैष्णव शंकर भगवान श्री कृष्ण भगवान के प्रथम श्रेणी के भक्त शंकर, और उनका अपराध किया, तो ये अपराध भगवान कभी भी क्षमा की बात छोड़ो सहन नहीं कर सकते। क्षमा की बात दूर रही लेकिन वो सहन नहीं कर सकते। चाक्रुष कृष्णा गोविंद, चाक्रुष गोविंद करके जब द्रौपदी ने पुकारा नाम, भगवान वही थे, कहां द्वारका थोड़े थे, द्वारका में भी थे और वहां भी थे, अंतर्यामी सब जगह वही थे कृष्ण, तुरंत सुन लिया गोविंद, भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं भगवान, सोते हैं तो भगवान जागते हैं, ये भी वैष्णव, ये भी नरसिंह मेहता की कृति है, भागवत के श्लोकों से सॉन्ग बनाए हैं। न यथा मे प्रियतम, मुझे जितने वैष्णव प्रिय हैं इतना कोई प्रिय नहीं है, न यथा मे प्रियतम, न आत्मयोनिर् न संकरो न संकर्षणो न श्रीभीर नैवात्मा यथा भवान। हे उद्धव, मुझे आप जैसे वैष्णव जितना प्रिय है इतना मेरा पुत्र ब्रह्मा प्रिय नहीं है, आत्मयोनिर् न यथा मे प्रियतम, आत्मयोनिर् न संकरो, मेरा प्राण शंकर भगवान, मेरा प्राण है शंकर, वो भी मुझे इतने प्रिय नहीं है, आत्मयोनिर् न संकरो न संकर्षणो, संकर्षण बलदेव मेरा भ्राता भी मुझे इतना प्रिय नहीं है, न श्रीवीर मेरी पत्नी लक्ष्मी भी मुझे इतनी प्रिय नहीं है, नई बात ना, मेरा आत्मा भी मुझे इतना प्रिय नहीं है जितना आप जैसे भक्त प्रिय है। भागवत 11
14-15 इतना प्रिय नहीं है। भगवान को भक्त कितने प्रिय हैं। अभी उससे ऊपर क्या भगवान बोलेंगे कि भाई मुझे मेरे आत्मा मेरे से भी मुझे मेरे भक्त प्यारे। तो इन भक्त का अपराध करना भगवान कभी भी आपको हमको हमें किसी को जो ने जिसने अपराध किया है उनको कभी भी माफ नहीं कर सकते। कभी भी आउट ऑफ क्वेश्चन। अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र एव द्विज साधुभिर ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय। भक्त प्रिय तो है लेकिन भक्तों का भक्त मुझे इससे भी प्रिय है। नमे भक्त जना पार्थ न च ये भक्त जन मत भक्ता नाम च ये भक्ता समे भक्त तमो मता। भक्तों के भक्त मुझे प्रिय है। ये कृष्ण का नाता है भक्तों के साथ। कितने भक्त प्रिय है उनको। छोटा हो या मोटा इनका अपराध कर लिया वी आर फिनिश्ड यू आर फिनिश्ड एवरीबॉडी इज फिनिश्ड फिनिश्ड ऑल ओवर। अब देखो सारा भागवत पढ़ा है भरा है कि कृष्ण कैसे भागे हैं भक्तों की सहार करने के लिए भक्तों का रक्षण भक्तों का भरण पोषण प्यार करने के लिए भगवान भागवत सारा भागवत भरा पड़ा है। भागवत यही है भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों की गाथा। कितना आपस में एक दूसरे से प्रेम का विनिमय करते हैं भागवत। और जहां जहां भक्तों का अपराध हुआ है वहां वहां भागवत में लिखा है कि भगवान ने सबको बराबर करा। जहां भी ये बात आई तो भगवान अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं बहुत। और जब उन भक्त का जब कुछ अपराध होता है तो भगवान से सहन नहीं होता। भक्तों का अपराध वैष्णव अपराध नाम अपराध विग्रह अपराध और धाम अपराध उसमें वैष्णव अपराध हमें बहुत गंभीरता से बचना है। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम तुम स्थाने अपराधे नहीं परित्राण। इतना सुंदर सुनने पर भी हम भक्तों से पंगा लेने में डरते नहीं है बिल्कुल डरते नहीं। कोई भी डरता नहीं है क्योंकि हम भागवत भक्तों का महात्म्य नहीं जानते। भक्तों का महात्म्य नहीं जानते। बड़ो भक्त पद चैतन्य चरितामृत सबसे बड़ा भक्त पद कौन सा है। बड़ो भक्त पद बड़ो भक्त पद भगवान कहते हैं ऊंच हो या नीच छोटा या मोटा। ऊंचा नीचा हूं तो कहीं ना बजाणू मुने भजे मरारे प्राण थकी मुने वैष्णव वाला अहर निशने गाऊ रे। नरसिंह मेहता कृष्ण कह रहे हैं कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं प्राण थकी मुझे वैष्णव वाला मेरे प्राण से भी मेरे वैष्णव मुझे प्रिय हैं। अहर निशने गाऊ रे मैं रात दिन इनको भजता हूं कृष्ण कह रहे हैं। ये श्लोक मैंने आगे सुना है उनके ऊपर एक कृति है। तो ऊंच नीचे हूं काइन कृष्ण कहते हैं मैं ऊंच या नीच मैं काय नहीं जानता। मेरे मुझे बजते हैं मुझे मुने बजे मेरा मारा रे जो मुझे बजते हैं वो मेरे हैं।
और उसके बाद क्या कहते तुरंत, गजने कारण पाड़ो रे धायो संतोनी करवा सार रे, ऊंचे नीचे हूं काई न बजानो मुने बजे मार रे। प्राणी था गजराज, एलिफेंट हाथी, तो मनुष्य वैष्णव से निकृष्ट, हाथी निकृष्ट है, लेकिन दोनों वैष्णव, मनुष्य और हाथी वैष्णव है। तो मैं ऊंच नीच काई न बजानो, आई डोंट नो एनीथिंग हु इज एक्सोल्टेड एंड हु इज फॉलन वैष्णव, आई डोंट नो। समम चरंती सर्वत्र कुंती प्रेयर्स, समम चरंती सर्वत्र, इसीलिए छोटा हो या मोटा वैष्णव हो भगवान वो सहन नहीं कर सकते, ऊंचे नीचे हूं काई न बजानो। समोहम सर्वभूतेषु, तो हमें बहुत गंभीरता से लेना होगा ये वैष्णव अपराध, नहीं तो हमें भी भृगु महाराज को बकरे की दाढ़ी और दक्ष महाराज को बकरे का सर, तो हमें भूत का सर मिल सकता है, हमें भूत है ना, तो गंभीरता से लेना होगा, बहुत गंभीरता से। तो मेरे पास दो मिनट एक मिनट बची है और यहाँ टाइम सर सब कुछ होता है, तो एनी क्वेश्चन? यस सुदामा, आई मीन सज्जन। हरि बोल। बोलिए क्या करें, व्यवहारिक नहीं, ये आपकी आपका स्टेज कहाँ है वो देखना होगा। अगर आप शुद्ध भक्त हो प्रभुपाद जैसे, तो कोई टॉयलेट पेपर लाएगा, टॉयलेट पेपर लाके आपके भागवत में आगे रख लेता है, तो कोई गुस्सा भी कर सकता है, टॉयलेट पेपर कहाँ लेते, भागवत के बाजू में टॉयलेट पेपर, प्रभुपाद हाँ सी कृष्ण की सेवा, कृष्ण की सेवा। तो इट्स अप टू योर कॉन्शियसनेस, आप कितने बड़े चढ़े हो, तो नीचे शरारत भक्त करते रहे लेकिन आप उनको आशीर्वाद देते रहेंगे, है ना। इट इज यू, योर कॉन्शियसनेस, योर चेतना, नॉट एंड जगत बहुत अच्छा है, हम खराब है, नोबडी वॉन्ट्स टू पिन पॉइंट एट हिमसेल्फ, मैं अहंकार मत हया, अहंकार मैं, मेरा अपराध क्या, अथवा मैं सच्चा हूं ये गलत है। अरे वो गलत भी हो ठीक है, उपेक्षा कर लो, थोड़ी सी उपेक्षा कर लो, उपेक्षा भी सेकंड क्लास है, लेकिन सेकंड क्लास सही, लेकिन अपराध तो नहीं होगा, अपराध तो नहीं, माफ ना कर, माफ करना फर्स्ट क्लास है, उपेक्षा करना सेकंड क्लास है, लेकिन अपराध तो नहीं होगा। और कोई क्वेश्चन? बहुत बहुत धन्यवाद भाई, चल रहा वेरी गुड, पहुंचाओ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए हमें प्रचार जोरों से शुरू करना है। अभी गोपाल कृष्ण, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज ने फाउंडेशन नींव लगाई है यहाँ, अभी सारे जगत में फैलेगी। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवताम की, वैष्णव भक्त वृंद की, गुरु गौरांग की, गौर प्रेमानंदी।
परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पदां साधन गरिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्रियादैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण
Hare Krishna, Hare Krishna.
Transcendental vibration by chanting of Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare is the sublime method for reviving our Krishna consciousness. As living spiritual soul, we are all originally Krishna conscious entities, but due to our association with matter,
from time immemorial. Our consciousness is now polluted by material atmosphere. In this polluted concept of life, we are all trying to exploit the resources of material nature, but actually we are becoming more and more entangled in our complexities. This illusion is called Maya, our hard struggle for existence, for winning over the stringent laws of material nature. This illusory struggle against material nature can at once be stopped by revival of our Krishna consciousness. Krishna consciousness is not an artificial imposition on the mind. This consciousness is the original energy of living entity. When we hear the transcendental vibration, this consciousness is revived, and the process is recommended by authorities for this age. By practical experience also, we can perceive that by chanting this Mahamantra or the great chanting for deliverance, one can at once feel transcendental ecstasy from the spiritual stratum. When one is factually on the plane of spiritual understanding, surpassing the stages of sense, mind and intelligence, one is situated on transcendental plane. This chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, is directly enacted from the spiritual platform, surpassing all lower status of consciousness, namely sensual, mental and intellectual. There is no need of understanding the language of the mantra, nor there is any need of mental speculation, nor any intellectual adjustment for chanting this Mahamantra. It springs automatically from the spiritual platform, and as such, anyone can take part in this transcendental sound vibration without any previous qualification and dance in ecstasy. We have seen it practically. Even a child can take part in the chanting, or even a dog can take part in it. The chanting should be heard from the lips of a pure devotee of the Lord, so that immediate effect can be achieved. As far as possible, chanting from the lips of non-devotee should be avoided, as much as milk touched by the lips of a serpent causes poisonous effect. The word hara is the form of addressing the energy of the Lord. Both Krishna and Rama are form of addressing directly the Lord, and they mean the highest pleasure eternal. Hara is the supreme pleasure potency of the Lord. This potency, when addressed as Hare, helps us in reaching the supreme Lord. The material energy, called as Maya, is also one of the multi-potencies of the Lord, as much as we are also marginal and potency of the Lord. The living entities are described as superior energy than matter. When the superior energy is in contact with the inferior energy, it becomes an incompatible situation. But when the supreme marginal potency is in contact with spiritual potency, Hara, it becomes the happy, normal condition of living entity. The three words, namely Hara, Krishna and Rama, are transcendental seeds of the Mahamantra, and the chanting is spiritual call for the Lord and his internal energy Hara for giving protection to the conditioned soul. The chanting is exactly like genuine cry by the child for mother. Mother Hara helps in achieving the grace of the Supreme Father Hari or Krishna, and the Lord reveals himself to such sincere devotee. No other means, therefore, of spiritual realization is as effective in this age as chanting the Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna.
Krishna, Krishna Krishna Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna
Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,